न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नगरीय निकाय के अंतिम चरण में 13 जुलाई को मतदान होता है। कलेक्टर मनोज पुष्प और नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का भ्रमण कर मतदान सामग्री के वितरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान दल के सदस्यों से भी बातचीत कर निष्पक्ष मतदान कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि मतदाता पर्ची लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही है, साथ ही चुनाव आयोग के द्वारा वेबसाइट तैयार की गई है, जिसके माध्यम से लोग अपने मतदान केंद्र और अपनी मतदान पर्ची के संबंध में जानकारी जुटा सकते हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने मतदाताओं से अपील की है कि सभी मतदाता अपने मतों का प्रयोग अवश्य करें। आइए सुनाते हैं कलेक्टर मनोज पुष्प और नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा ने क्या कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सभी जगह सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम रीवा और इसके अलावा हमारी 9 नगर पंचायतों में आज सामग्री वितरण कंप्लीट हो गया है और लोग अपने मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने के लिए जा रहे हैं। ये मतदान ईवीएम से होना है। आपको पता है कि मतदाता पर्ची का वितरण भी सभी जगह किया जा चुका है। आज भी जहां पर मतदाता पर्ची वितरण की जानकारी आ रही है कि नहीं हुआ, वहां पर मतदाता पर्ची का वितरण भी किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सर्च इंजन ऐप का जो निर्माण किया गया है, उसके माध्यम से भी कोई भी मतदाता अपना नाम मतदान केंद्र वाइज ढूंढ सकते हैं और उसके हिसाब से जाके अपना मतदान कर सकते हैं। उसका भी हम लोगों के द्वारा पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सभी मतदान केंद्र बनाए जा चुके हैं। कल से मतदान केंद्रों पर मतदाता जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को मतदान केंद्र की अवस्थिति भी पता हो और कहाँ पर मतदान करना है इसकी जानकारी हो। तमाम मतदाताओं से हमारी अपील है कि आप आज ही अपने मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त करें और अपनी मतदाता पर्ची को सुरक्षित रखें, अपनी पहचान पत्र को साथ में रखें और सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू होगा तो भारी मात्रा में उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पूरा जिला प्रशासन, पूरी निर्वाचन की जो टीम है वो और स्थानीय स्तर पर मतदान केंद्रों पर व्यवस्था बनाने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई, वो सभी लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा मतदान हुआ है और प्रथम चरण के जो नगर पंचायतें थे उनमें अच्छा मतदान हुआ है, वैसा ही नगर निगम और शेष नगर पंचायतों में बहुत ही अच्छा मतदान होगा। रीवा जिले की 9 नगर पंचायतों, नगर निगमों के नगरीय निकाय के निर्वाचन आयोजित होने हैं और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी हैं और मेरा हमारे रीवा ज़िले के सभी निवासियों से यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करके और अपने पसंदीदा जनप्रतिनिधि को चुनें और मतदान में सहभागिता करें, जिससे हमारा प्रतिशत अधिकतम हो सके। थैंक यू। जैसा कि आप सभी को पता है, कल रीवा नगर निगम के सहित हमारी 9 अन्य नगर पालिकाओं में भी मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी और इसमें नगर निगम की पूरी टीम मतदाताओं के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने में जुटी हुई है। मेरा शहर के और सारे 10 शहरों के सभी नागरिकों से और वोटरों से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में जाके अपने मतदान का उपयोग करें और अपने पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनें और हमारी डेमोक्रेसी में अपनी सहभागिता निभाएं।